हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो दोस्तों वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने एंजल वन ऐप में लॉग इन कर लिया है। होम में आने के बाद में यहाँ पे आपको इंस्टा ट्रेड का फीचर दिखाई दे रहा होगा, उस पर हमें टैप करना है। जैसे हम उस पर टैप करेंगे, हमारे सामने निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारे सामने जो है यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी देखिए दोस्तों, हमें जो है पिछले फ्राइडे तक जो है कंटिन्यूसली फॉल मार्केट में देखने को मिला था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके कल के दिन हल्की सी बाउंस भी ऊपर की ओर देखने को मिला था। मैंने आपको बताया था 18,580 से लेके 18,600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और हम उसी लेवल के ऊपर के साइड में क्लोजिंग दे चुके हैं। पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी यहाँ से हमें ऊपर की ओर बाउंस देखने को मिल जाए। तो आज के दिन में हमें काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है। अभी देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे तो यहाँ पे 18,750 का जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर हमें कल के दिन अगर से 18,750 के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करके क्लोजिंग दे देती है तो फर्दर और भी निफ्टी में हमें तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो निफ्टी के लिए ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। इस पर हमें टैप करना है। जैसे ही हम यहाँ पर टैप करेंगे हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था यहाँ पे 43,850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। आप देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल पे आने के बाद में यहीं से हमें ऊपर की ओर बाउंस देखने को मिल चुका है और ऊपर के साइड में और एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था 44,040 का। उसी लेवल के ऊपर जाके हम क्लोजिंग दे चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी और भी फर्दर यहाँ से हमें ऊपर के साइड में तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अभी के लिए बैंक निफ्टी में हमारे लिए दो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक तो पहला 44,040 का और उसके बाद में नीचे के साइड में 43,800 का। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही रहेंगे यहाँ से हमें ऊपर की ओर बाउंस देखने को मिल जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने चार्ट पे मार्क नहीं किए हैं तो मार्क करके रख लीजिए। इंस्टा ट्रेड फीचर का यूज़ करके आप डायरेक्टली यहीं से बाय कॉल और बाय पुट कर सकते हैं। अभी हमें मान लीजिए बाय कॉल करना है तो यहाँ पर हम बाय कॉल पर टैप करेंगे। जैसे ही हम उस पर टैप करेंगे, आप यहाँ पर नीचे स्क्रोल अगर करते हैं तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हमें टैप करना है। जैसे हम उस पर टैप कर लेंगे हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। आप अगर से कॉल को बाय करके होल्ड करना चाहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड में करेंगे, अगर सेम डे बाय सेम डे सेल करना चाहते हो आप इंट्रा डे में करेंगे। यहाँ पे लॉट साइज दिया है 25 का, यहाँ पे बैंक निफ्टी का है तो यहाँ पे जो है हम 1 एंटर करेंगे और नीचे में आप देख सकते हो लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया है। लिमिट यानी कि आप अपने मनपसंद प्राइस पे इसको खरीद सकते हो। जैसे कि इसकी प्राइस चल रही है 110, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 105 पे तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। जब भी इसकी प्राइस यहाँ पर आ जाएगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मार्केट रेट क्या होता है, मार्केट रेट यानी कि जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही होती है उसी पे डायरेक्टली आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपली हमें यहाँ पे बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद कन्फर्म आ जाएगा। कन्फर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में फ्यूचर ऑप्शंस में एंट्री का प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री बनाएं। और अभी तक आपने एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक का यूज़ करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।